ये हवाई अड्डा रेस्टोरेंट दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर है और ये गुरुथल करके प्लेस है। यहाँ पर ये हवाई अड्डा नाम का ये रेस्टोरेंट यहाँ के मालिक ने खोल रखा है। ऐसा फील हो रहा है जैसा हम लोग एयरपोर्ट पर आए हैं। दोस्तों, पीछे का नज़ारा देख के शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी एयरपोर्ट पे हूँ। जी नहीं, मैं किसी एयरपोर्ट पर नहीं हूँ। मैं अभी इस वक्त ये देख सकते हैं कि ये रोड है, मेन रोड है जो सोनीपत और पानीपत के बीच में कुरुथल करके एक जगह है जो हरियाणा में है। और इस जगह पर ये जो आपको मेरे पीछे दो एरोप्लेन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर है एक रेस्टोरेंट। दोनों एरोप्लेन में रेस्टोरेंट लगाया। कई आपने देखा होगा कि कोई लोग बस में रेस्टोरेंट करते हैं, कोई ट्रक में रेस्टोरेंट करते हैं, नागपुर रेलवे में रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर एरोप्लेन में रेस्टोरेंट लगाया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसीलिए यहाँ पर लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी आते हैं। मैं भी इस रेस्टोरेंट में जाके देखता हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या है और अंदर क्या क्या सुविधा है, कैसी सुविधा है। और इस टाइप के रेस्टोरेंट को मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ और शायद इंडिया में ये पहला कंसेप्ट है कि एरोप्लेन में रेस्टोरेंट है। चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ पूरा कंसेप्ट क्या है। यह है सोनीपत पानीपत के बीच का एक गाँव, कुरुथल करके गाँव है एक, और यहाँ पर बीच में यह एरोप्लेन का हवाई अड्डा रेस्टोरेंट है। इन लोगों ने एरोप्लेन में रेस्टोरेंट खोल के रखा है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। और यहाँ से इन स्टेप से हमें चढ़ना है ऊपर, और यहाँ पर बच्चों के लिए एम्यूजमेंट पार्क भी है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है यहाँ पर। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये रेस्टोरेंट है कैसा। यहाँ पर जैसे एरोप्लेन में चढ़ने के लिए जगह होती है, बैठने के लिए जगह होती है, उसी टाइप में यहाँ पर एरोप्लेन में रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये एरोप्लेन इनके मालिक ने स्क्रैप में खरीदे थे और यहाँ पर इन लोगों ने ये एरोप्लेन लाके यहाँ पर। ये क्या है? ओके ओके okay. आप पहली बार आए रेस्टोरेंट में? और मैं अभी ये रेस्टोरेंट में देखिए जाने की एंट्री ले रहा हूँ। अभी ये इसका नज़ारा है। ये इस टाइप का नज़ारा है इसके अंदर। पूरा रेस्टोरेंट इन लोगों ने बनाया है एरोप्लेन के अंदर। किसी एरोप्लेन की कॉकपिट में आम आदमी को तो बैठने को नहीं मिलता है, लेकिन इस वक्त मैं बैठा हूँ इस एरोप्लेन की कॉकपिट में। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, पूरा एरोप्लेन रेस्टोरेंट है, हवाई अड्डा ढाबा। और ये अभी इस वक्त मैं हूँ कॉकपिट में। ये कितने साल से है रेस्टोरेंट? 35 दिसंबर को ओपनिंग हुई। कौन से 35 दिसंबर? लास्ट अभी हाँ। 21 को हाँ। 31 दिसंबर हाँ। ओके। हेलो पायलट, हाउ आर यू? क्या क्या सर्व करते हैं आप? कैप्टन है सर। कैप्टन है, बढ़िया, एक नंबर काम है। तो ये कंसेप्ट मालिक ने लाया आपके? जो हमारे एमडी सर हैं, सर का ये साइड बिजनेस भी है, स्क्रैप से ट्रैवल का। किस स्क्रैप का? स्क्रैप से प्लेन को उठाते हैं। ओके।
क्योंकि नागपुर में रेलवे की बोगी में है, नागपुर से बिल्कुल रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, हाँ बोगी में है। हाँ, और लोग ये रेस्टोरेंट का एंजॉय ले रहे हैं। सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट का समय है तो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये है यहाँ का किचन। अच्छा बार है, ये बार है, यहाँ पर आपको वाइन मॉकटेल कॉकटेल और बियर वाइन जो भी है वो सब मिलेगी। और इधर से क्या है किचन, अच्छा इधर किचन का रास्ता है, इधर ये इधर ओके ओके, ये सारा किचन है नीचे में वगैरह। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, मैंने हरियाणा में ये कंसेप्ट देखा है, बाकी कई जगह में तो ये कंसेप्ट है नहीं। हेलो सर, कहाँ से हो आप? जी दिल्ली से। अच्छा आप पहली बार आए इधर? अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अभी तो अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट का मैं मेनू कार्ड दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, और थोड़े से रेट ज़्यादा है, लेकिन क्या है मेंटेनेंस की वजह से या एरोप्लेन की कॉस्ट की वजह से शायद ये रेट्स आपको ज़्यादा लगते होंगे, लेकिन क्वालिटी भी देखते हैं। अभी मैंने तो मंगाया है मोमोज, और क्वालिटी देखते हैं कि कैसी है यहाँ की। ये मैंने मोमोज मंगाए थे, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव पैक में मोमोज आ चुके हैं, और अभी टाइम है टेस्ट करने का। वाह स्टीम्ड मोमोज है, बहुत ही बढ़िया लुक, तो बहुत बढ़िया है। देखिए ये देखिए इस टाइप का है, खा के देखता हूँ। 8 मोमोज आए हैं, मोमोज का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और चटनी भी मस्त है। चटनी कोई डिफरेंट टाइप की चटनी दिख रही है मुझे, और जिसमें ये लाया गया है ये मोमोज वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पर काफ़ी लोग रोज़ विजिट करते हैं, क्योंकि रोड पर ही है एकदम, और दिखने में अट्रैक्टिव होने की वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। तो अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर है तो ये हवाई ढाबा रेस्टोरेंट को आप जरूर विजिट करें। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका कंप्लीट, और एक ही प्लेट के मोमोज में मेरा पूरा पेट भर गया ब्रेकफास्ट होने तक। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। फिर से एक बार मैं बोलूँगा कि अगर आप चंडीगढ़ दिल्ली रोड पर है तो यहाँ कुरु स्थल में एक ये हवाई अड्डा रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर जरूर विजिट करें। एयरपोर्ट ढाबा तो बहुत साफ सुथरा दिखा मुझे, और अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ कि जैसा एयरपोर्ट का वॉशरूम होता है वैसे ही वॉशरूम है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे अंदर आने के बाद ये पता चल रहा है कि जैसा एयरपोर्ट का वॉशरूम एकदम क्लीन होता है वैसे ही वॉशरूम ये बहुत क्लीन है। और ये एम्यूजमेंट पार्क का है, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए राइड्स है, जंप पीट है, और ये इधर कुछ राइड्स है। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसा हम लोग एयरपोर्ट पर आए हैं। ये हवाई अड्डा रेस्टोरेंट दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर है, और ये गुरुथल करके प्लेस है, यहाँ पर ये हवाई अड्डा नाम का ये रेस्टोरेंट यहाँ के मालिक ने खोल रखा है। और ख़ास बात यह कि ये हवाई अड्डा 24 आवर्स चालू रहता है, और इसलिए
आप कभी भी यहाँ आएंगे तो आपको ये रेस्टोरेंट 24 आवर्स ओपन मिलेगा। ये है वो रोड, दिल्ली चंडीगढ़ रोड। जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाओगे तब आपके लेफ्ट साइड में ये हवाई अड्डा रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी जगह पर ये रखा हुआ है और मैं अभी विजिट कर चुका हूँ तो बहुत अच्छी तरह से ये मेंटेन भी किया गया है। यहाँ पर अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर जा रहे हो तो ज़रूर ये रेस्टोरेंट को विजिट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।